जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर सांसद सोनी पर सुनील सोनी के घर पर कांग्रेसियों का घेराव है। प्रदेश में धान खरीदी के मुद्दे पर बना रहे हैं दबाव। कांग्रेस का समर्थन विनायक है करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अन्य कई जगहों पर भी घेराव। आज देख रहे हैं कि भाजपा सांसदों के पोस्टर लेकर निकल। जनता इन लोगों को पहचाने कि ये सब के सब मोदी जी के बंदर हैं, और मोदी जी जैसा बोलते हैं केवल वैसे ही करते हैं। जनता के हितों को इनकी परवाह नहीं है, किसानों के हितों की इनको परवाह नहीं है। किसानों के हितों की परवाह नहीं है। सुनेगी भाजपा सरकार, आप लोग नगाड़े लेकर के दूर। सुनना नहीं सुनना उनका काम है, हमारा काम है उनको जगाना। वो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनकी जवाबदारी है छत्तीसगढ़ की बात करने की। अगर वो नहीं सुनना चाहते हैं तो जनता उनको जवाब देगी। जनता इस चीज के लिए तैयार है और बिल्कुल तैयार रहेगी। तो अभी आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? देखिए, हम तो सुनील सोनी के जी के घर के लिए निकले हैं और सुनील सोनी जी के घर तक जाएंगे। चलिए, पूर्व मेयर हैं, वर्तमान मेयर भी हमारे साथ मौजूद है। आप लोग सुनील सोनी के घर तक जा रहे हैं, वर्तमान मेयर पूर्व मेयर के पास जा रहे हैं, सांसद के पास? नहीं, ये तो जनहितकारी चीजों को लेकर जा रहे हैं। उनको खुद को सोचना चाहिए कि बनने के बाद किन चीजों को उठाना चाहिए। क्या वो किसान उनके नहीं है जिन्होंने उनको वोट डाला है? क्या जमीन के पट्टे की बात जो रेलवे के क्षेत्र में है उनको नहीं करनी चाहिए? राज्य सरकार पट्टा दे रही ना, तो रेलवे के क्षेत्र में जितने लोग बसे हैं उनको पट्टे के लिए कम से कम उनको आवाज तो उठाना चाहिए संसद में। हमारे साथ गिरीश देवांगन जी, कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे बातचीत करते हैं। भाजपा ने कहा है कि इससे अराजकता होगी। क्या होगा अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में टकरा गए? यदि 2500 रुपया में किसानों का धान लेना यदि जुर्म है तो कांग्रेस इसके लिए हमेशा जुर्म करेगी। किसानों का धान 2500 रुपया लेने के लिए कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल की सरकार कटिबद्ध है। इनको सेंट्रल पूल में चावल लेने की बात सोचनी चाहिए। नहीं तो वो तो कह रही है ना कि वादा आपने किया, आप निभाइए। हम तो वादा निभाए हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि वादा नहीं निभाएंगे। सवाल ये है कि जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव था आपने सेंट्रल पूल में चावल लिया कि नहीं, इसका जवाब ये सांसद और मोदी जी थे। ये आपको लगता है कि जो प्रदर्शन रायपुर में हो रहा है, जो राजनांदगांव में हो रहा है, उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ेगी? सवाल वो नहीं है, किसानों की लड़ाई हमेशा कांग्रेस ने विपक्ष में रह के भी लड़ा है और सरकार में भी। यदि किसानों के साथ केंद्र सरकार अत्याचार करेगी तो ईट से ईट बजा देंगे। अच्छा, ये क्या माना जाए, सत्ता में कांग्रेस आ चुकी है इसलिए उत्साह ज्यादा है, या फिर इसकी वजह ये है कि अभी चूंकि निगम के चुनाव होने हैं तो सब दमखम दिखा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब जब किसानों के हित की बात होगी तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इतना ही दमखम दिखाता है। जब हम लगातार विपक्ष में थे तब भी आपने देखा हमारा दमखम ऐसे ही था, और इसी दमखम के भरोसे हम यहाँ पर 3/4 बहुमत से आए हैं। तो चलिए, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, किसानों के मुद्दे पर बात कर रही है और कह रही है कि 2500 रुपए में जो धान खरीदने का वादा है उसे कांग्रेस पार्टी निभाएगी, लेकिन सेंट्रल पूल में जो 24 लाख मीट्रिक टन जो चावल खरीदती थी केंद्र सरकार ने, उसको इस आधार पर रोक दिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार बोनस दे रही है, और इसी का विरोध कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है कि सांसदों को जो जिम्मेदारी जनता ने दी थी जनता के हित में आवाज उठाने की, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बहरहाल, कांग्रेस का ये मार्च जारी है, सांसद सुनील के निवास तक ये लोग कूच करेंगे, लेकिन देखना यह है कि पुलिस इनको रोकती है, कहां पे रोकती है, या फिर ये पहुंच जाते हैं सांसद के घर। और आपको बता दें कि ये रायपुर में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। जो भी सांसद हैं उनके या तो आवास पर या फिर उनके दफ्तर पर कांग्रेस से पहुंच रहे हैं और ढोल नगाड़े बजाकर उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो केंद्रीय पूल का जो चावल है केंद्र सरकार वो खरीदे, जिससे किसान जो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और साथ ही साथ राज्य सरकार की जो मुश्किलें बढ़ गई हैं केंद्रीय पूल में चावल ना लेने की वजह से वो खत्म हो और धान खरीदी में सहूलियत हो। करके ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस ही प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरीश देवांगन जो कि प्रभारी महासचिव हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों को पुलिस ने यहीं पर रोक दिया? देखिए, हम लोग सुनील सोनी का जो आवास है वहां जा रहे थे नगाड़ा लेकर, और उनको जनता के साथ जो वादे किए हैं 2022 तक जो किसानों की आय दुगुनी करने की बात है, एक तरफ किसानों के साथ इस प्रकार की बात करते हो, दूसरी तरफ किसानों के धान से बने हुए चावल केंद्रीय पूल में लेने से इंकार इसलिए करते क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 रुपये में किसानों को धान ले रही है।
ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो चुका है। सुनील धोनी संसद में किसानों के पक्ष में एक भी आवाज नहीं उठा रहे हैं, नींद में सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए नंगारा लेकर उनके घर तक हम लोग जा रहे हैं। प्रशासन जहां भी रोके, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल आप लोग पहुंचने वाले थे सांसद के यहाँ, लेकिन सांसद के यहाँ पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो जो मैसेज देना चाह रहे थे, क्या वो मैसेज आप लोग दे पाएंगे? हो गया प्रमोद। देखिए, आज हम लोगों ने सांसद के मकान का घिराव करने के लिए यहाँ पर निकले थे। ढोल बजाकर उनको जगाने का कार्यक्रम था। यहाँ पर प्रशासन ने हमें रोक दिया है। कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। हम कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके आगे जाना नहीं चाहते। हमने यहाँ पर इसीलिए धरना दिया है। और छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद को हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ की आवाज आप सांसद में उठाइए, यहाँ के विषय में, यहाँ के चावल खरीदी के विषय में आप वहाँ पर बात करिए। तो ये देख सकते हैं कि सामने महिलाएं हैं जो कि प्रदर्शन भी कर रही हैं, और इसके बीच में तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बताइए, जो संदेश आप लोग देने की कोशिश कर रहे थे, आपको लगता है कि सांसदों के रुख में बदलाव आएगा, जबकि सांसद जाहिर तौर पर पार्टी की लाइन से बंधे होते हैं? देखिए, सांसद पार्टी की लाइन से बंधे हो अलग बात है, परंतु वोट उनको छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है, यहाँ के किसानों ने दिया है, और उनके साथ भी उनके पार्टी का था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो आज महज इसलिए कि भूपेश बघेल जी 2500 रुपए में धान खरीद रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डालने की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। एक तरफ कहते हैं हम सेंट्रल पूल का चावल नहीं खरीदेंगे, दूसरी तरफ ये अंधे घूंगे बहरे सांसद ये कहते हैं कि क्या आपने पूछ के किया था। सवाल इस बात का नहीं है कि किसानों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसानों को तो पैसा हमारी भूपेश बघेल सरकार जरूर दे रही है, 2500 रुपए में ही धान खरीदेंगे, परंतु उसका बदला तो यहाँ के किसानों से ना ले मोदी जी, जो सेंट्रल पूल में चावल खरीदने के लिए मना किया है। कम से कम इस नैतिक जिम्मेदारी से तो बचना चाहिए, नहीं तो ऐसे शर्मनाक सांसदों को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कांग्रेस का ये कहना है कि सांसदों पर सीधे सीधे वो टारगेट कह रहे हैं, कर रहे हैं। विकास उपाध्याय जो कि विधायक हैं, आप विधायक हैं जाहिर तौर पे, और आने वाले समय में विधानसभा में भी ये मुद्दा छाया रहेगा। देखिए, किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई है। कांग्रेस की सरकार ने समर्थन मूल्य भी दिया, बोनस भी दिया, और कर्जा भी माफ किया। जहां किसान आत्महत्या कर रहे थे, उनकी अपनी परेशानी थी, उनकी उनकी तकलीफ को देखते हुए यहां हम लोगों ने कर्जा किसान का कर्जा माफ किया। जब केंद्र सरकार पक्षपाती रवैया क्यों अपना रही है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात का चावल खरीदती है और छत्तीसगढ़ के चावल को खरीदने से मना कर देती है, तो ये पक्षपाती रवैया क्यों, आखिर क्यों करना चाहती है? ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। इसलिए किसानों की व्यथा, किसानों की परेशानी को समझ नहीं सकते, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर आज जाके यहाँ उन लोगों के लेकर उनके घर जा रहे हैं और नगाड़ा पीट रहे हैं। तो लेकिन पुलिस ने तो रोक दिया, पुलिस ने रोका है, लेकिन हम नगाड़ा पीट कर ये संदेश वो पार्लियामेंट में बैठे 9 के 9 सांसदों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये नगाड़ा पीट करके, और आप देख सकते हैं कि आज खुद विकास उपाध्याय जो कि विधायक हैं, उन्होंने खुद आज नगाड़ा पीटा है, और नगाड़ा पीट करके कह रहे हैं कि संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सेंट्रल में जो सांसद हैं, जिसको जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाने की है, उन्होंने उठाया, तो ये लोग नगाड़े पीट रहे हैं। कुछ पार्षद नहीं पहुंचे आज, कुछ पार्षद नहीं पहुंचे प्रदर्शन में। नहीं, बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, ये कौन सी बात होती है? हजारों लोग कम है क्या? उसमें लिखा है क्या कि पार्षद को आना? सब आए हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन है? नहीं, देखिए, प्रदर्शन कार्यकर्ता होता है, कुछ पार्षद और महामंत्री और उपाध्यक्ष नहीं होता, पार्टी का कार्यकर्ता है सब। तो आप लोगों ने जो यहाँ पे आवाज उठाई है, ये क्या आगे भी आप लोगों की लड़ाई जारी रहेगी? रोज लड़ाई जारी रहेगी। सांसद लोग कब लड़ेंगे, बस आपके माध्यम से उनसे पूछ रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेंट्रल तक ये बात पहुंचे, और ज्ञापन में मांग की जा रही है सेंट्रल पुल का जो चावल है वो केंद्र सरकार पिछले सालों की तरह दरअसल जो प्रोसेस है वो ये है